हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पलवन टॉपिक आपका यूनिट नंबर 4 का। किसका? बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पलवन टॉपिक आपका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 47 के करीब क्वेश्चन है, तो ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जिसके थ्रू आपका क्या है पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार या भाव का इस प्रकार विस्तार करना जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए क्या कहलाता है, अथवा किसी वाक्य के भावों को विस्तार से प्रकट करने को क्या कहते हैं। पिछली यूनिट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? संक्षेपण के बारे में, ठीक है। इस ये उसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या करना था, भावों का संक्षेपण करना था, ठीक है, संक्षिप्त में किसी बात को बताना था। इसमें क्या बताना है, किसी वाक्य के भाव को विस्तार से प्रकट करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, किसी वाक्य के भाव को विस्तार से प्रकट करना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसे पल्लवन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पल्लवन, और उसे क्या कहते थे, संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि पल्लवन की शैली कौन सी होनी चाहिए। पल्लवन जो है उसकी शैली क्या होती है, समास हो, सूक्ति हो, या ब्यास हो, या आलोचनात्मक। तो ब्यास शैली उसकी होनी चाहिए। पल्लवन की शैली कौन सी होनी चाहिए, ब्यास शैली। उक्ति के केंद्रीय भाव का विस्तार करना है, उक्ति के केंद्रीय भाव का विस्तार करना है क्या कहलाता है। कोई भी उक्ति है उसके केंद्रीय भाव का विस्तार किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, व्याख्या, सूक्ति, उक्ति या पल्लवन, ठीक है। तो पल्लवन ही उसे कहेंगे, यानी कि विस्तार करने को किसी भी उक्ति को क्या कहेंगे, हम पल्लवन कहेंगे। पल्लवन की रचना किस पुरुष में होनी चाहिए, ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे कि पल्लवन की जो रचना होती है वो किस पुरुष में होती है, अन्य पुरुष में वो होती है, ठीक है, अन्य पुरुष में की जाती है पल्लवन की रचना। सूत्र रूप या संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को क्या कहेंगे, एक ही बात को वो दोबारा दोबारा बदल बदल के पूछ रहा है, ठीक है। जहां भी विस्तार की बात आएगी आप क्या कहेंगे, पल्लवन, आप क्या कहेंगे, पल्लवन ही आप वहां पर लगाएंगे। सूत्र रूप या संक्षेप में व्यक्त भाव जो भी है, संक्षेप में व्यक्त है, उसको विस्तार करेंगे तो आप क्या करेंगे, पल्लवन उसका करेंगे। निर्व्यक्तिक एवं सार्वभौम सत्य का उद्घाटन क्या करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो निर्व्यक्तित एवं सार्वभौम सत्य का उद्घाटन क्या करता है, पल्लवन, व्याख्या, संक्षेपण या सभी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा पल्लवन, ठीक है, पल्लवन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो पल्लवन लेखन है उसमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो पल्लवन लेखन होता है उसमें उदाहरण आने चाहिए भाई, कहावत भी होनी चाहिए, लोकोक्ति का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी का प्रयोग उसमें हम नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है, पल्लवन का क्या अभिप्राय है, पल्लवन का अभिप्राय क्या है, खूब बड़ा चढ़ा के लिखना, पल्लवन तोड़ कर रखना, अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति, या विस्तार पूर्वक समझा कर लिखना। तो सच मायने में इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि विस्तार पूर्वक किसी चीज को समझा के लिखना, ठीक है, और कोई मतलब इसका नहीं है, उसके भाव को विस्तार पूर्वक हमें क्या है, समझा कर लिखना है। जो कह रहा है पल्लवन की भाषा होनी चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए पल्लवन की, सरल हो, कठिन हो, अलंकृत हो, या सभी भाषाएं हो। तो यहाँ पर जो पल्लवन है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है, पल्लवन में क्या स्पष्ट किया जाता है, आलोचनात्मक प्रसंग, प्रसंग मूल भाव, या टीका टिप्पणी। तो पल्लवन जो होता है वो मूल भाव के विस्तार के लिए ही हम कहते हैं, तो यहाँ पर सही बात हो जाएगी कि मूल भाव के विस्तार को क्या कहेंगे, पल्लवन कहेंगे। पल्लवन में मूल भाव को ही स्पष्ट किया जाता है, और ज्यादा संक्षेपण में उसे संक्षिप्त किया जाता था, इसमें विस्तृत किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी विशेषता पल्लवन की नहीं है, गद्यात्मक रचना, सृजनात्मकता, मौखिकता, या असहजता। तो जो भी निगेटिव आपका आंसर दिखेगा ना, आप उसी को आंसर टिक करना है, ठीक है, हमें किसका, निगेटिव ही आंसर टिक करना है। तो इसमें असहजता क्या है, निगेटिव आंसर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है बिना संदर्भ प्रसंग जाने किया जाता है, कोई संदर्भ और प्रसंग को जाने बिना ही क्या करते हैं, हम पल्लवन करते हैं, ठीक है, संक्षेपण
और व्याख्या में संदर्भ प्रसंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन पल्लवन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कहावतों, लोकोक्तियों, सूक्तियों के भाव विस्तार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहावतों, लोकोक्तियों और सूक्तियों के भाव विस्तार को क्या कहा जाता है? व्याख्या करना, विस्तार करना, पल्लवन या संक्षेपण। तो कहावतों, लोकोक्तियों, सूक्तियों के भाव के विस्तार को जब भी मैंने बताया था, क्या कहेंगे हम? जो है पल्लवन ही कहेंगे। इसका विलोम क्या है? मैंने अभी बताया था पल्लवन किसका विलोम है, पल्लवन किसका विलोम है, संक्षेपण का विलोम है। पल्लवन नहीं किया जा सकता है किसका? व्याख्या का पल्लवन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि व्याख्या खुद में पहले से जो है विस्तार रूप है। व्याख्या क्या होती है? पहले से विस्तार रूप है किसी चीज का, पहले से विस्तार रूप है। और पल्लवन का मतलब भी क्या है? आपका विस्तार रूप। तो विस्तार का विस्तार थोड़ी करेंगे आप। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पल्लवन के लिए आवश्यक है, पल्लवन के लिए क्या आवश्यक है भाई? अवतरण के मूल विचार जानना, अवतरण के गौण विचार जानना, अवतरण की भाषा शैली जानना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पल्लवन के लिए क्या आवश्यक है? 16 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? पल्लवन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था विश्लेषण, विस्तारण, समीक्षा या बुद्धिकरण। तो विस्तारण ही तो है, पल्लवन का मतलब क्या है? विस्तारण। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी सुगठित एवं गुंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? तो यहां पर हमें बताना, ये परिभाषा किसकी है? राजेंद्र प्रसाद सिंह की, टी एस श्याम की, डॉक्टर राम प्रसाद की, तो वासुदेव प्रसाद की जो है, वासुदेव नंदन प्रसाद ने ये परिभाषा दी थी। पल्लवन का अर्थ मतलब आपको बता ही दिया, विस्तार करना या बड़ा करना, उसी का एक स्वरूप है। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है हिंदी में? विस्तार। और विस्तार को ही क्या कहेंगे? पल्लवन। ठीक है, तो पल्लवन का मतलब क्या होता है हिंदी में? पल्लवन को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन कहेंगे। पल्लवन में प्रयोग किया जाता है, पल्लवन किस में प्रयोग किया जाता है? पल्लवन दृष्टांतों का, प्रसंगों का, उदाहरण का या सभी का? पल्लवन में सभी का प्रयोग किया जाता है। किसका? सभी का, इन तीनों चीजों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि पल्लवन में परख होती है, कैसी परख होती है भाई? पल्लवन में परख कैसी होती है? व्यक्ति की योग्यता की, व्यक्ति की वैचारिक क्षमता की, व्यक्ति की मौलिक उद्भावना की, या जो पल्लवन करता है उसमें उसकी सभी चीजों की परख हो जाती है। ठीक है, उसकी सभी चीजों की यहाँ पर परख हो जाती है। तो पल्लवन का अर्थ होता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताना है आपको, पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा आपकी है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह की। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये परिभाषा है। क्वेश्चन कह रहा है, पल्लवन लेखन हेतु आवश्यक गुण है, पल्लवन लेखन हेतु आवश्यक गुण क्या है? स्पष्टता, सरलता, मौलिकता, उपर्युक्त सभी। तो पल्लवन लेखन हेतु आवश्यक जो गुण है वो है डी ऑप्शन आपका, उपर्युक्त सही। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका अर्थ है। पल्लवन के कितने प्रकार हैं? ठीक है, आपको बताना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पल्लवन के पूरे 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पल्लवन के कितने प्रकार होते हैं? 6। संक्षेपण के कितने प्रकार बताए थे? संक्षेपण के प्रकार बताए थे 2। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पल्लवन का प्रकार है, एक शब्द का पल्लवन, एक वाक्य का भी पल्लवन हो सकता है, किसी एक शब्द का भी हो सकता है, वाक्य का, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। तो सभी ये पल्लवन हो सकते हैं। पल्लवन का मतलब किसी एक शब्द का आप विस्तार कर सकते हैं, किसी शब्द के बारे में बता सकते हैं, वाक्य के बारे में बता सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक पल्लवन तीनों प्रकार का होता है। एक शब्द का पल्लवन है पंचायत, पुस्तकालय, बसंत, उपर्युक्त सभी। यानी कि एक शब्द क्या है? पंचायत एक शब्द है, पुस्तकालय भी एक शब्द है, बसंत, इन सभी का क्या कर सकते हैं आप? पल्लवन या विस्तार कर सकते हैं। पंचायत क्या होती है इसके बारे में बता सकते हैं, पुस्तकालय या बसंत इन तीनों के बारे में व्याख्यात्मक रूप से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक शब्द का पल्लवन हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों का पल्लवन है, दो या दो से अधिक शब्द कौन कौन से होंगे? जहां पर दो या दो से अधिक शब्द होंगे उन्हें ही दो या दो से अधिक शब्दों का पल्लवन कहा जाएगा। राजकीय प्रयोजन, दो शब्द है, परीक्षा का माध्यम, इसे का को शब्द नहीं गिनेंगे, का एक
योजक है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्र हित की सिद्धि, तो ये भी दो शब्द हो जाएंगे, तो उपर्युक्त सभी शब्द तो यही है ना, सिद्धि राष्ट्र हित परीक्षा माध्यम, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। की का क्या अर्थ बताएंगे आप? अब देखो स्वतंत्र अर्थ जो रखते हैं वही शब्द कहलाते हैं, ठीक है। एक वाक्य का पल्लवन है, एक वाक्य का पल्लवन अब यहाँ पे बताना है, जैसे बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक वाक्य के पल्लवन हो जाएंगे। इसका मतलब समझ गए आप कि किसी पल्लवन का मतलब है एक शब्द पूछे तो आपको एक शब्द देना है, दो शब्द पूछे तो दो शब्द होने चाहिए, एक वाक्य पूछे तो एक वाक्य होना चाहिए जिसका सार्थक अर्थ हो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी मुहावरे का पल्लवन है, कोई मुहावरा है उसका पल्लवन क्या होता है, यानी कि तो आपको सीधे मुहावरा लिखना, आधा जल गगरी छल कर जाए, ईंट से ईंट बजाना आंख का तारा, ये सब क्या है मुहावरे हैं, तो तीनों अर्थ आपके सही हो जाएंगे। लोकोक्ति, लोकोक्ति लगभग जहां से शुरू होती है वो क्या है वहीं पे खत्म होती है ज्यादातर, ठीक है। थोता चना बाजे घना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। सावन सूखे न भादों हरे, इसका एक पूर्ण अर्थ होता है, ठीक है। लोकोक्ति का एक पूर्ण अर्थ होता है, तीनों लोकोक्ति आपकी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है वो किसी वार्ता के शीर्षक का पल्लवन है, किसी वार्ता, कोई वार्ता है उसके शीर्षक का पल्लवन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएंगे, ठीक है। खरगोश कछुआ लोमड़ी सारस बंदर और मगरमच्छ जो कहानियां हैं वो सभी क्या है उपरोक्त सभी। कथा के शीर्षक का पल्लवन भी हो सकता है, सावित्री सत्यवान रुक्मिणी हरण उपरोक्त सभी, तो यानी कि जो भी कथा के शीर्षक है उनका भी आप पल्लवन निकाल सकते हैं। कह रहा है पल्लवन की प्रकृति है कैसी होनी चाहिए, गद्य होनी चाहिए, रचनात्मक, कैसी भी प्रकृति होनी चाहिए, मूल विषयबद्धता, यानी कि सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। पल्लवन की प्रवृत्ति है यहाँ पर भी वही बताना है आपको, स्वाभाविकता कल्पनाशीलता मौलिकता या सभी, ठीक है। तो पल्लवन की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तीनों प्रकार की हो सकती है। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ भी सभी आपसे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो पल्लवन की प्रकृति होती है विस्तार करना, उसका अपोजिट जहां भी दे रखा होगा आपको वो नहीं होगा, यानी कि संक्षिप्त आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे पल्लवन की प्रकृति नहीं है, यानी कि संक्षिप्तता पल्लवन की प्रकृति आपकी नहीं है। पल्लवन का तथ्य है, तत्व है, पल्लवन का तत्व कौन सा है, विषय का चुनाव करना, वैचारिक मंथन करना, पठन करना या सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। कह रहा है पल्लवन का तत्व है, ठीक है। सामग्री का चयन, सामग्री का संयोजन, लेखन, ये सभी क्या है पल्लवन के तत्व है। कह रहा है पल्लवन का तत्व है, फिर से वही क्वेश्चन, प्रारूप लेखन, प्रारूप का निरीक्षण, अंतिम लेखन, ये सभी क्या है पल्लवन के अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। पल्लवन के तत्व ये हो जाएंगे, यानी कि पल्लवन का तत्व का मतलब हो गया ये क्या क्या ये चीजें पल्लवन में आती हैं, क्या ये पल्लवन में शामिल हैं, तो हाँ तीनों तत्व हैं, प्रारूप का लेखन भी कर सकते हैं, अंतिम लेखन, प्रारूप का निरीक्षण भी करना है, ये सभी पल्लवन के अंदर आती हैं। आदर्श जो पल्लवन होता है उसका अर्थ जो गुण क्या होता है, गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको पल्लवन करना है तो, सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ेगा एक एक शब्द का निरीक्षण, तर्क शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श पल्लवन का गुण नहीं है, आदर्श जो पल्लवन है उसका गुण क्या नहीं है, विवेचना शक्ति, बौद्धिक क्षमता, निरपेक्षता या क्लिष्टता, ठीक है। तो आदर्श जो पल्लवन है उसका गुण कौन सा नहीं है, यहां से आंसर कह रहा है तो इसका जो गुण नहीं है वो हो जाएगा क्लिष्टता, ठीक है। मैंने बोला था नेगेटिव आंसर को आप चुनेंगे, पॉजिटिव आंसर को आप नहीं चुनेंगे। पल्लवन का उदाहरण है क्या है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़ के ये वाक्य वाला पल्लवन हो गया, प्रेम का पथ वास्तव में त्याग ये भी वाक्य पल्लवन हो गया, कविता क्या है ये क्वेश्चन जो है ये भी एक प्रकार से वाक्य है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये भी क्या है उपर्युक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पल्लवन का उदाहरण है। लालच बुरी बला है, ठीक है, लालच बुरी बला है, लोकोक्ति हो गई, नहीं ये एक कहावत हो गई, ठीक है। मातृत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, ये चीज क्या हो गई, ये भी एक कहावत हो गई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये तीनों क्या है, ये तीनों है पल्लवन, पल्लवन का उदाहरण इसमें से नहीं है ये बताना है, ये क्वेश्चन आपको
बताना है। क्या कह रहा है, क्रोध पाप का मूल है, ये भी पल्लवन है। स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति, ठीक है, ये यहाँ पर पल्लवन का उदाहरण नहीं हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका पल्लवन का उदाहरण नहीं हो जाएगा। बाकी क्योंकि ये हिंदी का है, वो संस्कृत में चला गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सही भी आंसर आपके सत्य हो जाएंगे। पल्लवन का उदाहरण नहीं है, आशा उत्साह की जननी है, अहिंसा परम धर्म है, पुष्पक जान जीत ले आवा, वही बात हो गई, ठीक है, उदाहरण नहीं है, तो आपको भाई संस्कृत वाला चूज कर लेना है कि ये नहीं होगा भाई। पल्लवन का उदाहरण है, यहाँ पर हर पीत वस्तु सोना नहीं होती, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जैसा पाया वैसा बोया, ये तीनों ऑप्शन आपके मैंने बताए थे कि तीनों ऑप्शन पल्लवन हो जाएंगे आपके, ठीक है। पल्लवन का मतलब आप समझ गए होंगे, विस्तार करना होता है, हम शब्द अर्थ शब्द कहावत लोकोक्ति, ठीक है, किस और एक वाक्य, इन सभी का क्या कर सकते हैं, पल्लवन, पल्लवन करने के लिए एक प्रकार से पल्लवन का आप हिंदी मायना समझ के चलिए कि व्याख्या होता है, तो हमें किसी चीज़ की व्याख्या करनी है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को। मैं मानता हूँ कि पल्लवन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, और संस्कृत का जब भी आप वर्ड आए तो आप उसे काट देना कि हाँ ये इसका पल्लवन नहीं है, ठीक है, इसका पल्लवन, ये पल्लवन का जो है उदाहरण नहीं है। बाकी सारे आपके शब्द, अगर कोई सार्थक शब्द है, अर्थ है, कोई अक्षर है, अक्षर दे रखा है इसे आ ई ई, तो वो पल्लवन नहीं होगा। बाकी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है, इसी यूनिट के, चौथी यूनिट के, तब तक के लिए धन्यवाद।